सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार पूरी तरह से घुल गया है। सरकारें लाख चाहें लेकिन इससे पार पाने में नाकाम साबित होती नजर आ रही हैं। बात करें उत्तराखंड की तो राज्य में बीजेपी की जीरो टॉलरेंस सरकार का दावा है कि भ्रष्टाचार को राज्य में जड़ से उखाड़ने का काम किया जाएगा। काफी हद तक सरकारी सेवकों पर हो रही कार्रवाई से सरकार का दावा सच भी नजर आता है, लेकिन वहीं अब भ्रष्टाचार की आंच मुख्यमंत्री कार्यालय तक जा पहुंची है, जहां मुख्यमंत्री के पूर्व निजी सचिव प्रकाश चंद उपाध्याय पर काम दिलाने के नाम पर 4 करोड़ से ज्यादा की रकम हड़पने का आरोप लगा है। पंजाब के ठेकेदारों ने खुला आरोप लगाया है कि सीएम के पूर्व निजी सचिव प्रकाश चंद ने अलग अलग माध्यम से विभिन्न विभागों में करोड़ों रुपए के टेंडर उनको दिलाने का वादा किया, वहीं अब ना तो वो टेंडर मिले और ना ही पैसा वापस किया जा रहा है, जिसके बाद पंजाब के ठेकेदारों ने सरकार से शिकायत की है, जिसकी जानकारी मिलते ही खुद मुख्यमंत्री के निर्देशों पर उनके पूर्व निजी सचिव प्रकाश चंद और अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं में 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसमें जो रजत प्राशर हैं, रजत प्राशर के द्वारा कोतवाली में एक तहरीर दी गई जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि पीएससी उपाध्याय सौरभ शर्मा और इसके अलावा नंदनी वत्स शाहरुख और करणवीर बहुत सारे लोगों के द्वारा एक साजिश के तहत उनको टेंडर दिलाने के नाम पर उनसे पैसे लिए गए, लगभग 1 करोड़ के आसपास की धनराशि उनसे ली गई और उन्हें कहा गया था कि भाई हम आपको टेंडर दिलाएंगे और आप सरकारी से हमारी काफ़ी जान पहचान है, तो ये कह उनसे पैसे लिए गए थे और बाद में उनको फिर धोखा दे दिया, उनसे जो है किसी प्रकार से भी संपर्क नहीं स्थापित किया गया। पटियाला के कारोबारियों को उत्तराखंड में सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर 4 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में पूर्व निजी सचिव प्रकाश चंद समेत अन्य पर 2 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के पूर्व निजी सचिव प्रकाश चंद उपाध्याय सहित 5 के खिलाफ डीजीपी को शिकायत करने के बाद नगर कोतवाली में धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। बता दें कि सचिवालय में सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर मुख्यमंत्री के पूर्व निजी सचिव प्रकाश उपाध्याय और सौरभ वत्स के खिलाफ पटियाला के भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में भी मुकदमा पंजीकृत हो चुका है, जिसके बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि मुकदमा दर्ज कराना अच्छी बात है, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद कितने भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे जाते हैं यह बड़ी बात होगी। सरकार मुकदमे ही तो दर्ज करा रही, कार्रवाई कहाँ कर रही? मुकदमा दर्ज तो प्रेमचंद अग्रवाल जी पे भी हुआ था सड़क पीटने में, उसका आज तक क्या हुआ ये किसी को पता ही नहीं है, तो ये मुंह छिपाने की कोशिश है। तुरंत कार्रवाई करें, मुकदमे दर्ज करने से क्या होता है, और सरकार की अगर नियत साफ है तो स्पष्टीकरण दे, जिनका पैसा लिया गया उनको सामने लाए, जिसने लिया, और उससे भी ये पूछताछ होनी चाहिए किसके लिए पैसा लिया, क्या ओएसडी ने अपने लिए पैसा लिया, ये बात सामने आनी चाहिए। पहले वाले स्टिंग आपने देखे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी जो है पैसा ले रहे हैं, नीचे से पैसा ले रहे हैं, नोएडा से उनके खाते में भी पैसा डाला जा रहा, उसमें आज तक क्या हुआ? उसमें भी तो मुकदमे दर्ज होने की बात हुई थी। तो बीजेपी कहती कुछ है, करती कुछ है, मुकदमे दर्ज करेगी, मुकदमा कहाँ गया किसी को पता भी नहीं चलेगा। सरकार में पूर्व निजी सचिव प्रकाश चंद उपाध्याय ने पंजाब के कारोबारियों को सोलर गीजर, इलेक्ट्रिकल लैब उपकरण और उच्च शिक्षा के प्रोजेक्ट का टेंडर दिलाने का वादा किया था, जिसके एवज में करोड़ों रुपए की रकम भी ऐंठने का काम किया गया, लेकिन वहीं अब काम ना होता देख कारोबारियों ने सीधे सरकार से ही पूर्व निजी सचिव की शिकायत कर डाली, जिसके बाद तत्काल मुख्यमंत्री के निर्देशों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सेवानिवृत्त हो चुके प्रकाश चंद उपाध्याय की गिनती उत्तराखंड के प्रभावशाली अधिकारियों में होती थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त होने से पहले उन्होंने उत्तराखंड के मुख्य सचिवों के निजी सचिव के रूप में भी काम किया। वहीं अब रिटायरमेंट के बाद प्रकाश चंद पुलिस के शिकंजे में है। भले ही विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेर रहा हो, लेकिन भाजपा का साफ कहना है कि यह धाकड़ धाबी की सरकार है जिसमें भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। देखिए, कांग्रेस पूर्व में भी इस प्रकार के आरोप लगाती रही, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोग भूले नहीं हैं उस समय जब कांग्रेस का मुख्यमंत्री कह रहा था लूट लो प्रदेश को आंखें फेर लूंगा, ये भाजपा की सरकार है, पारदर्शी सरकार है, और यहाँ पर भ्रष्टाचारी कोई भी हो, कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कितना ही बड़ा नेता हो, उसको बख्शा नहीं जाता। आप जो है हाकम सिंह का हश्र देख लीजिए आज क्या है, कांग्रेस तो उस पर भी आरोप लगा रही थी कि केवल मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, आज कहाँ है हाकम सिंह, आज कहाँ है उसका रिजॉर्ट, सबको जमी जोत करने का काम हमने किया है। ये पुष्कर धामी की सरकार है, धाकर धामी की सरकार है, यहाँ किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई कितने ही बड़ा रुतबा रखता हो। उत्तराखंड प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ धामी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति लगातार जारी है, लेकिन विपक्ष को इसमें भी ऐतराज है। विपक्षी नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि सरकार की तरफ से मुकदमे तो कई दर्ज कराए जा रहे हैं, लेकिन इन पर बात तब बने जब
किसी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी हो। वहीं पूरे मामलों को लेकर भाजपा ने पलटवार किया है और साफ तौर पर कहा है कि धाकड़ धामी की सरकार है, यहाँ पर कार्रवाई 100% होगी। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत कांबोज, देहरादून।